नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं अंकुश मोरे। आप देख रहे कृषि दर्शन XYZ और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले, जहां पर केले की खेती अधिक मात्रा में होती है। बता दें कि केला खाने में स्वादिष्ट, मीठा और फाइबर के साथ पोटेशियम से भरपूर होता है। इसके साथ बॉडी बिल्डिंग बनाने के लिए भारतवासी इसका प्रतिदिन सेवन करते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम बुरहानपुरी केले के बारे में। बुरहानपुरी केले की मिठास ने खाड़ी देशों में मचाई धूम। जाने इसकी क्या है खासियत। केला उत्पादन के लिए मशहूर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले की खाती अब खाड़ी देशों तक पहुंच चुकी है। 16 लाख टन केले का उत्पादन करने वाला इस जिले से 25,000 मीट्रिक टन केला दुबई, ईरान, बहरीन सहित अन्य देशों को एक्सपोर्ट हो रहा है। बुरहानपुरी केले की मांग बढ़ने का कारण इसकी खास क्वालिटी और जैविक खेती है। बुरहानपुर के केलों की खासियत सुंदर आकार, बड़ा साइज और मिठास है। इसके अलावा इस किस्म का केला लंबे समय तक खराब नहीं होता है। वहीं विदेशों में केला एक्सपोर्ट करने वाले खमनी, नानचखेड़ा, शाहपुर, इच्छापुर और नेपानगर के किसान केला उत्पादन के साथ एक्सपोर्ट कर निर्भर बन रहे हैं। एक्सपोर्ट क्वालिटी के केले अच्छे दाम मिलने से उनकी आर्थिक संपन्नता कई गुना बढ़ गई है। लिहाजा यह है कि अब उन्हें खेती के लिए कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। बुरहानपुर के केले का एक्सपोर्ट के बढ़ने के प्रयास किए गए तो पिछले 2 साल में इसे अच्छी गति मिल गई। पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल होने के बावजूद 13,000 मीट्रिक टन से अधिक केला बाहर भेजा गया। बुरहानपुर में सरकार एक्सपोर्ट जोन बनाने की भी तैयारी कर रही है ताकि यूरोपियन देश में भी केला भेजा जा सके। बहरहाल खाड़ी देशों में जब सप्लायरों से संपर्क कर यहां के केले की खासियत बताई गई तो इसकी सप्लाई विदेशों तक होने लगी। वहीं बेहतरीन क्वालिटी के कारण इसकी डिमांड बढ़ती गई। पहली बार ऐसा हुआ कि लगातार 2 साल से केला बाहर एक्सपोर्ट किया जा रहा है, खासकर अफगानिस्तान, इराक, ईरान, तुर्की, बहरीन और दुबई में केला गया। खाड़ी देशों में साल 2021 में सिर्फ 700 मीट्रिक टन केला एक्सपोर्ट किया गया था, लेकिन इस साल यह बढ़कर 12,500 मीट्रिक टन हो गया है, जो कि अब तक का सर्वाधिक है।